तो कैसे हैं दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। और दोस्तों आज एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि आप सबके टैब में से भी दीक्षा ऐप गायब हो चुका है, लेकिन दोस्तों कई सारे भाइयों को ये फ़ायदा भी हो रहा है क्योंकि दीक्षा ऐप के गायब होने से सरकार के जो सरकारी ये टैब है इसके अंदर कुछ बग आ गया है और उनके सभी ऐप चलने लग गए हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, ये देख सकते हैं आप दोस्तों मेरे सरकारी टैब के अंदर सभी ऐप यहाँ पर चलने लग गए हैं क्योंकि इसके अंदर से दीक्षा ऐप गायब होने के कारण यहाँ पर सभी ऐप यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। दोस्तों आपके टैब में भी कुछ ऐसा हो सकता है। और दोस्तों अब आपको एक दूसरा टैब भी दिखाता हूँ जिसके अंदर दीक्षा ऐप गायब हो चुका है। अब दोस्तों आप यहाँ पर जो टैब देख रहे हैं इसके अंदर यहाँ पर देख सकते हैं कोई दीक्षा ऐप यहाँ पर नहीं है, तो इसके अंदर से दीक्षा ऐप यहाँ पर हटा दिया गया है। तो दोस्तों आप सब भाइयों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब भाई सोच रहे होंगे कि ये क्या मेरे टैब में से दीक्षा ऐप गायब हो चुका है, तो दोस्तों आप सबको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सरकार ने यहाँ पर दीक्षा ऐप के अंदर कोई सॉफ्टवेयर को चेंज करेगी जो कि जिसके बाद कि आपका दीक्षा ऐप है जो आपके टैब में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार अब आपके जो दीक्षा ऐप है उसमें कुछ चेंजेस करेगी जिसके बाद आप उसमें जो आप गूगल वगैरह ये चलाते थे अभी आप ये नहीं चला पाओगे। तो दोस्तों अगर ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबको भाइयों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों जो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिया हो उसको दबा देना, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पर सेट कर देना क्योंकि मैं गवर्नमेंट टैब से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाता रहूँगा। और दोस्तों गवर्नमेंट टैब की सभी ट्रिक आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।